गाइस, आज मैं एक ऐसे गेम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें अगर गेम का प्रोटैगनिस्ट मर जाता है तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन जितने बार भी वो जिंदा होगा उसका एज उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ वंडर वुल्फ और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीफू के बारे में। तो सीफू को डेवलप एंड पब्लिश किया है स्लो क्लैप्स ने, बट तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ जाता है, तुम्हें तो सिर्फ गेम से मतलब है ना। तो सीफू का मेन फोकस है इसका गेम प्ले एंड इसका स्टोरी बहुत शॉर्ट है जिसको तुम 5 से 10 घंटे के अंदर आराम से खत्म कर सकते हो, बट गेम छोटा हो या बड़ा क्या ही फर्क पड़ जाता है, गेम को ग्रेट होना चाहिए एंड सीफू एक बहुत ही ग्रेट गेम है, तभी तो आईजीएन ने इसको 9/10 दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले उन लोगों के लिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं, दोस्तों आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो लाइक जरूर करना एंड अगर आपको लगता है कि वंडर वुल्फ आपका एक सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक टाउन से जहां पर एक यांग नाम का आदमी एक कुंगफू एकेडमी में घुसकर वहां के स्टूडेंट्स को बुरी तरह से मारने लगता है एंड सभी को मारते हुए वो एकेडमी के मेन हॉल में पहुंचता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके दोस्त एक बूढ़े आदमी से फाइट कर रहे हैं। यांग उस आदमी को सीफू कहकर बुलाता है विच मीन्स कुंगफू मास्टर। उनकी बातों से ये पता चलता है कि यांग उस एकेडमी का हेड है एंड बहुत साल पहले यांग भी सीफू का एक स्टूडेंट हुआ करता था, मगर किसी कारण यांग को एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था। अब इतने सालों बाद यांग यहाँ पर एक पेंडेंट लेने आया है जिसमें 5 टैलिस्मैन्स हैं, जिसे सीफू देने से साफ इनकार कर देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैलिस्मैन पेंडेंट, इस पेंडेंट में 5 टैलिस्मैन्स हैं जो 5 अर्थली एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, विच इज वुड, फायर, वाटर, मेटल एंड अर्थ टैलिस्मैन्स। एंड ये 5 एलिमेंट्स मिलकर चाइनीज थ्योरी ऑफ यूनिवर्स वु जिंग को सिग्निफाई करते हैं। अब सीफू के यांग को इनकार करने पर यांग सीफू को बैटल में चैलेंज करता है एंड यहाँ हमें टीचर वर्सेस स्टूडेंट का एक मस्त सा फाइट देखने को मिलता है। अब सीफू क्योंकि एक कुंफू मास्टर है, वो यांग को बहुत देर तक पकड़ कर रखता है, बट यांग अपने इम्प्रूव्ड मार्शल आर्ट टेक्निक से सीफू को मार देता है। अब जब यांग वो टैलिस्मैन पेंडेंट लेने जाता है तो उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है एंड तब वो उस इंसान को बाहर आने के लिए कहता है एंड वहां से सीफू का छोटा बेटा बाहर आता है। बट छोटे होने के बावजूद भी यांग अपने सबॉर्डिनेट नेम्ड फजार से उस बच्चे को विदाउट एनी रीजन मार देता है। इसके बाद यांग उस टैलिस्मैन को 5 में बांट देता है जिससे कि हर एक के पास एक स्पेशल पावर आ जाता है। फजार के पास वुड टैलिस्मैन था जिससे वो पेड़ और पौधों को कंट्रोल कर सकता था। सीन के पास फायर टैलिस्मैन था जिससे वो फायर को एज ए वेपन की तरह यूज कर सकता था। करौकी के पास वाटर टैलिस्मैन था जिससे वो स्नो एंड वाटर को मैनिपुलेट कर सकती थी। चिनफेंग के पास मेटल टैलिस्मैन था एंड फाइनली यांग द लीडर के पास अर्थ टैलिस्मैन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे के पास भी एक टैलिस्मैन था जिसकी मदद से वो फिर से जिंदा हो जाता है एंड पास में अपने फादर के डेड बॉडी को देख उसे समझ में आ जाता है कि उसे अभी क्या करना है। वो बच्चा बहुत मेहनत करता है एंड खुद से कुंफू सीखता है ताकि वो अपने फादर एंड अपने एकेडमी के सारे बच्चों को एवेंज कर सके। नाउ इस गेम में प्रोटैगनिस्ट का कोई भी नाम नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोटैगनिस्ट को नाम दिया है वुल्फ ताकि तुम लोग कनेक्ट कर सको एंड मुझे भी बोलने में इजी हो। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वुल्फ टैलिस्मैन, वुल्फ के पास एक इमॉर्टल टैलिस्मैन है जिससे अगर वो मर जाता है तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, लेकिन जितने बार भी वो जिंदा होता है उसका एज उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। अब इस इंसिडेंट के 8 साल बाद वुल्फ अपने एनिमीज को हंट करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो फजार के पास जाता है जिसने 8 साल पहले उसको मार दिया था। फजार अभी एक केमिस्ट बन चुका है एंड उसने एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसे कंज्यूम करने से लोग बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, मगर फजार खुद भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है इसलिए वो अपने फैसिलिटी से बाहर नहीं जाता। वुल्फ के साथ फाइट के दौरान हम ये देखते हैं कि वो पेड़ एंड पौधों को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसके पास वुड टैलिस्मैन है, बट वुल्फ उसे ओवरपावर कर लेता है एंड उसे मार देता है। फजार को मारने के बाद वुल्फ सीन को ढूंढते हुए एक नाइट क्लब में पहुंचता है। उस नाइट क्लब में पहुंचने के बाद वुल्फ काफी सारे सीन के गुंडों से लड़ता है एंड फाइनली सीन के पास पहुंचता है। सीन ने अपने फादर को ही एक कॉन्स्पिरेसी में मार दिया था जो कि एकेडमी के एक गार्डियन हुआ करते थे ताकि उसे टैलिस्मैन पेंडेंट मिल सके। फाइट के शुरू होने से पहले ही हम देखते हैं कि सीन अपने फायर टैलिस्मैन की मदद से वो अपने स्टूडेंट के हाथ पर एक बर्निंग मार्क दे देता है एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी एंड वुल्फ इसके साथ भी फाइट करता है एंड इसे हरा देता है। सीन को हराने के बाद
वुल्फ यांग के थर्ड मेंबर करोकी को ढूंढते हुए उसके म्यूजियम में जाता है जिसको जिंग फैन अपने फंडिंग से चला रही थी। करोकी एक आर्टिस्ट है जिसने अपनी छोटी बहन को एक इंसिडेंट में खो दिया था जिसका दुख उसे आज भी है। वुल्फ उसके साथ फाइट करता है एंड फाइटिंग के सेकंड फेज में करोकी अपने बहन का रूप ले लेती है। बट वुल्फ पिछले 8 साल से मेहनत कर रहा था तो वुल्फ उस 8 साल के मेहनत की मदद से करोकी को हरा देता है। इसके बाद वुल्फ यांग के ग्रुप के फोर्थ एंड लास्ट मेंबर जिंग फैंग को हंट करने के लिए निकल जाता है। वुल्फ जिन फैंग को ढूंढते हुए द टावर नाम के एक बिल्डिंग के सामने जाता है एंड टावर के टॉप रूम में उसे जिंग फैंग मिल भी जाती है, मगर फिर वो अचानक से वैनिश हो जाती है। एंड काफी सारे लोगों को मारने के बाद फाइनली वुल्फ एंड जिन फैंग फेस टू फेस आते हैं। जिंग फैंग भी पहले उसी एकेडमी में काम करती थी जिसको वुल्फ के फादर सीफू चलाते थे। जिंग फैंग का काम उन 5 टैलिस्मैन्स को डिफेंड करना था, मगर बाद में वो खुद उस एकेडमी को बिट्रे कर देती है ताकि उसे मेटल टैलिस्मैन मिल जाए एंड वुल्फ उसे भी हरा देता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि वुल्फ ने जितने भी यांग के मेंबर्स को मारा है उसने उन्हें उनके खुद के वेपन से ही मारा है। फजार को उसी के मशीटी से मारा है, सीन को उसी के स्टिक से मारा है, करोकी को उसी के कुनाई से मारा है एंड जिंगफैंग को भी उसी के फ्लैल को यूज करके मारा है। अब जब सारे ग्रुप मेंबर्स खत्म हो गए थे तो वुल्फ यांग द लीडर को मारने के लिए द सैंक्चुरी में जाता है। सैंक्चुरी में पहुंचने पर यह पता चलता है कि यांग ने अर्थ टैलिस्मैन से लोगों को हील करना सीख गया था एंड दूर दूर से इमोशनली एंड फिजिकली ब्रोकन लोग यहां पर इलाज कराने आते थे। नाउ वुल्फ जब यांग के पास पहुंचता है तो यांग उसे अपनी हीलिंग प्रॉपर्टीज को दिखाते हुए एक चिड़िया को मार देता है, बट सरप्राइजिंगली वो चिड़िया फिर से जिंदा हो जाता है जस्ट लाइक वुल्फ जब वो छोटा था। यांग के साथ फाइट के दौरान यांग वुल्फ के पास से उसका टैलिस्मैन पेंडेंट छीन लेता है, मगर वुल्फ फिर भी उसे हराने में कामयाब रहता है। मगर यांग को हराने के बाद वुल्फ हमें बहुत ज्यादा निराश दिखता है एंड यहाँ पर गेम का मेन एंड बैड एंडिंग दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि यांग ने अपने वाइफ एंड सिस्टर को मरने से बचाने के लिए टैलिस्मैन को चोरी कर लिया था एंड इसीलिए यांग को एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया था। You failed to honor your oath. You are unworthy. Now leave. अब जब वुल्फ सही रास्ते पर ना चलकर रिवेंज के रास्ते पर इतने सारे लोगों को मार दिया है, वो अनवर्दी बन जाता है एंड वो इनर पीस या वूडू हासिल नहीं कर पाता एंड अब वो कभी भी अपने फादर जैसा सीफू नहीं बन पाएगा। नाउ व्हाट इज वूडू? वूडू बेसिकली चाइनीज मार्शल आर्ट्स के 4 पिलर्स हैं जिसे हर एक मार्शल आर्ट्स को जानना जरूरी है एंड जो भी वूडू के पाथ को फॉलो नहीं करता है उससे सभी लोग नफरत करते हैं। वूडू के 4 पिलर्स हैं गॉन, मतलब कि हमेशा खुद को ट्रेन करते रहना एंड डिसिप्लिन में रहना। डैन, यानी कि हमेशा अपने दिमाग को ठंडा रखना एंड सही डिसीजन लेना। जी, मतलब कि हमेशा हम्बल रहना एंड कभी भी अपने एनिमी के सामने शो ऑफ ना करना, नहीं तो पेल दिया जाओगे। एंड फाइनली यी, मतलब कि हमेशा वो काम करना जो तुम्हें सही लगता है। एंड जो इन 4 पिलर्स को अचीव कर लेता है उसे वूडू यानी कि इनर पीस हासिल हो जाता है। वुल्फ अपनी गलती को समझते हुए वो अपने जर्नी को फिर से स्टार्ट करता है, मगर इस बार वो अपने किसी भी एनिमी को जान से नहीं मारता, जिसके बदले में उसे फजार, सीन, करोकी एंड जिन फैंग से 4 टैलिस्मैन मिल जाते हैं। एंड वुल्फ ये प्रूफ करता है कि अगर वो चाहता तो वो उन्हें उनके ही वेपन से मार सकता था, मगर उसने रिवेंज का पाथ छोड़कर वूडो का पाथ चूज किया था। अब सभी एनिमीज को छोड़ देने के बाद यांग के साथ फाइट में जब हम यांग को जिंदा छोड़ देते हैं तब वुल्फ बीच में ही मर जाता है। अब हेवन में पहुंचने के बाद वुल्फ के पास 5 टैलिस्मैन आ जाते हैं जिससे वुडू का ओथ पूरा हो जाता है एंड दूर हराइजन में हमें एक ड्रैगन दिखता है इंडिकेटिंग कि उसने इनर पीस को अटेन कर लिया है। अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसने अपने हाथों में इमोर्टैलिटी टैलिस्मैन पकड़ रखा है एंड वहां पर एक बच्चे के बुलाने पर वो आदमी उस पेंडेंट को वहां पर छोड़ के चला जाता है एंड हम देखते हैं कि पेंडेंट में 5 नहीं बल्कि 4 टैलिस्मैन है, इंडिकेटिंग कि यांग ने एक टैलिस्मैन की मदद से वुल्फ को फिर से जिंदा कर दिया था जो अभी एक सीफू बन गया है जस्ट लाइक हिज फादर। एंड सीफू की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है एंड मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आया है जिसमें तुम्हें सही रास्ते पर चलना दिखाया जाता है।
एंड आई होप कि तुम लोगों को भी ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय।